हम हरियाणा से आ रहे हैं, 90 विधानसभाएं हैं, 10 लोकसभा है, एक में भी ओबीसी का अति पिछड़ा वर्ग की कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो भाई हम कब तक तारे हिंदू, कब तक तारे गधे बने रहेंगे? अब हमारे बस की बात नहीं है, बिल्कुल समर्थन करते हैं। क्या गलत कहा उन्होंने? बिल्कुल सही तो कहा है भाई, अगर उसमें कोई गलत हो तो बताओ। ये कथाकथित जो कुछ लोग हैं उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, और उन दुकानें बंद होने का मकसद एक ही है कि अब किसी न किसी तरीके से ये एक्टिंग करी जाए और उसको लेकर के देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया जाए। हम किसी का कोई विरोध नहीं करते इस देश के अंदर, ना हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते, ना हम ब्राह्मणों का विरोध करते, ना हम पार्टिकुलर किसी और का। हम तो ये कहते हैं वर्तमान में जो सरकार, जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार कह रही है, भाई इस देश के अंदर जातिगत जनगणना करा दो। किसके पास धन धरती सत्ता और शिक्षा और नौकरियां हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये रोज की रोज नए नए जो प्रोपगंडे लेके आ रहे हैं, ये आज जो स्टार्टिंग में इन्होंने कहा 15 लाख की बात करी, फिर कहा कि हम ओबीसी को न्याय देंगे तमाम तरीके, लेकिन आज भी हमने वो जो ओबीसी को लेकर के सत्ता में आए, हमने इनका कोई आयोग, कोई गठन, कहीं कुर्सी मेज टेबल, हम अपनी पीड़ा जाके उनको बता दें, नहीं है। लेकिन आप जैसे लोग हिंदू धर्म को निशाने पर हमेशा लेते हैं, बाकी और भी धर्म है उसमें भी तो कमियां हैं, बुराई उसमें भी। हम कोई धर्म वर्म को निशाना पर नहीं लेते। अगर किसी का पेट में दर्द होता है तो हम डॉक्टर नहीं हैं, वो अपना इलाज खुद कराएं। हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी के धर्म वर्म से। हम ये कहते हैं भैया हमने हमारा पेंडा छुटवा लिया, हम 3 पीढ़ी होगी, ना मेरे बाप ने माना ना हमने माना, और आज हमारी औलादें जो है दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर जेएनयू में पढ़ रही है। अगर हम भी इनके काल्पनिक चक्रों में पढ़ते तो शायद आज कावड़ लेने मेरी औलादें जाती, और लंबे लंबे जो है ना वो ऊपर नीचे बाले रख के ना पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते। लेकिन आज हम आपके सामने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर यही बात कह रहे हैं कि जितना जल्दी इस 33 करोड़ से आप छुटकारा पालोगे अपना। अरे संत गाड़ के बाबा जी को मानो ना, उन्हें क्या कहा था? अरे फटे हुए कपड़े पहन लो, टूटे हुए बर्तन में आप खाना खा लो, अपने बच्चों को शिक्षा दो। ज्योतिबा फूले ने क्या कहा? सावित्रीबाई फूले ने क्या कहा? रामास्वामी पेरियर ने क्या कहा? ललन सिंह यादव ने क्या कहा? बिरसा मुंडा ने क्या कहा? तमाम जो हमारे क्रांतिकारी जो थे, हम तो उस विचारधारा को, फैक्ट को आगे लेके चलने वाले लोग हैं, और हमने इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये जीभ काटने की बोलो, ये कुछ और गोली मारने की बात करो, ये डरता क्या ना करता, ये हालात इनकी है। डेंगू की, मलेरिया की समाप्त करने की जहाँ तक बातें हैं, हर एक बात को किसी न किसी एंगल से देखा जाता है, और उस एंगल से उससे हम पीड़ित हैं। जभी तो हमने कहा ना भाई आपके 33 करोड़ देव देवता हैं, हम उनके जो 33 करोड़ देव देवता, हमने वो जो हफ्ता वसूली वाले जो इनके थे वो हमने तो दिया, छोड़ उनको। अब जो इनकी चपेटों में आ रहे हैं उनको हम ये कहना चाहते हैं, आप इस देश के अंदर जातिगत जनगणना करवा लीजिए, आप इस 33 करोड़ देव देवताओं के चक्कर में ना पड़ के न आप इस देश के संविधान पे बात करें, आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करें, आप अपनी धरती सत्ता पे बात करें, आप अपने रोजगार पे बात करें, आप अपनी शिक्षा पे बात करें। उन पे तो आप बात करना नहीं चाहते हैं, और बगैर मतलब की जो चीज़ें हैं उसको उठा करके ले आते हैं। तो ये हमारी समझ से परे है, और हम अपने लोगों को जो इस देश में न्यायप्रिय जो लोग हैं, जो धर्म में फंसे हुए लोग हैं, हमारी कोशिश आपके माध्यम से कि भैया किसी न किसी एंगल से इस हफ्ता वसूली से आप निकल लो, ताकि आपके बच्चों को शिक्षा, आपके बच्चों को इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जेएनयू के अंदर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो जो अलग देश दुनिया है उसका आपको पता लगेगा, अन्यथा आप ऐसे फंसे रहोगे। कह रहे हैं कि सनातन सबसे पुराना धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है। देखिए कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, अब उनकी बातों को मानना ना मानना वो हमारा काम है ना, हमने इस बात से कोई लेना देना नहीं। उनका पुराना है नया है, वर्तमान की परिस्थिति में हम कैसे जी रहे हैं, कैसे हम जातियों का दर्द झेल रहे हैं। आज भी जो हर जगह बहन बेटियों के साथ जुल्म होता है, 80 से 90% में दावे के साथ कह सकता हूँ, जिनका ये विरोध करते हैं वो इतने रेपिस्ट, हत्यारे, बलात्कारी नहीं है। जो भी हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द आने वाले जो लोग हैं, जो कथाकथित अपने आप को जो धर्म के ठेकेदार कहते हैं, और वो किसी दल के लोग हैं और किसी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है धर्म वर्म से। उन्होंने अपनी सत्ता में बने रहना है, और अपने काम और अपने बच्चों के लिए
महल बनाना और उनको आगे बढ़ाना। हमारे बच्चे तो अभी तक हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाए हैं। हर धर्म में बुराई अच्छाई होती है, उस बुराई को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हैं लोग? भाई दुकानें बंद हो जाएंगी ना, आप सच्चाई अगर किसी को बताओगे तो आपका जो पुश्तैनी जो काम है, जिससे आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिससे आप सत्ता के मलाई चाट रहे हो, जिससे आप कुछ भी नहीं करना है, आप वहाँ जाके एक पत्थर की मूर्ति जो हमने तराशी है, हमने बनाई है, उसका चाहे वो माता हो चाहे वो पुरुष हो, उसके कपड़े सपड़े सब एक जो मंदिर का पुजारी वही सब चेंज करता है। अरे कमाल की बात है, कम से कम है, मैंने किसी महिला को इस देश के अंदर पुजारी नहीं देखा है। भाई जहाँ शेरावाली का काड़ावाली का है, वहाँ तो कम से कम महिलाओं को मान सम्मान तो मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। आप जो भी जो उस भेंट चढ़ना चाहता है चढ़े, लेकिन सारी बातों की एक बात है, इस देश के अंदर जब तक जातिगत जनगणना होगी, जब तक इस देश के अंदर ईवीएम मशीन बैन नहीं होगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो पीछे पड़ गए हैं सनातन के, चाहे स्टालिन हो, चाहे प्रियंका खड़गे हो, चाहे डी राजा हो, और कई चंद्रशेखर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं लगातार? ये आज से विरोध नहीं कर रहे हैं, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, तब से ये पीछे पड़ रहे हैं। पेरिया रामास्वामी का आज जन्मदिन है, और उस जन्मदिन पे आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे खोल के देख लियो, आज मैं कह रहा हूँ 50% से ऊपर उसके मानने वाले, उसको जानने वाले इस देश के अंदर हैं। तो आप देख लीजिए, समय लगेगा, एक दिन वो होगा इस देश के अंदर कि बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोगों का इस देश में राज होगा और इस देश के अंदर बहुजन समाज की सत्ता होगी। लेकिन वो तो संविधान बदलने की बात करने लगे हैं। देखिए वो क्या क्या आज के कह रहे हैं, क्या उन्होंने कभी संविधान को माना ही नहीं है? अगर वो संविधान को मानते तो आज ये हालात बद से बदतर नहीं होती। तो यही चीज है, उनका काम है, बदतर कहाँ हालात है, देश तरक्की कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से। नहीं आप कहीं बीजेपी के हेडक्वार्टरों की चाय पी के आए होंगे, बीजेपी आरएसएस के लोगों में रहते होंगे, इसलिए आपको लग रहा होगा देश आगे बढ़ रहा है। जब शिक्षा का बजट घटा दिया जाता है तो आप नहीं बोलते, किसके बच्चे पढ़ते हैं, किसका बजट घटाया है? इस देश के अंदर सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया जाता है, किसके स्कूल में कौन बच्चे पढ़ते हैं? इस देश के अंदर तमाम जो शिक्षक स्थान हैं वो बंद हो रहे हैं। और सुन लीजिए मान्यवर, आज इस दिल्ली प्रदेश के अंदर जो प्रोफेसर है वो धरने पर बैठी है, 2 साल से लगातार वो जो ना जो बिल्कुल वहाँ की जो प्रिंसिपल है वो फर्जी तरीके से कुछ 30-35 बच्चों से एफिडेविट लेती है और उस पर आरोप लगा जाता है कि आप ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, और उसी के भाव पर उसको निकाल दिया जाता है। और लगातार डॉक्टर रितु लगातार 2 साल से उस जख्म को झेल रही है और आज भी लड़ाई जारी है। तो ऐसा नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जेएनयू के अंदर तो 2016 में ये कांड कर मोदी जी ने कह दिया कि विपक्षी लोग हैं ना ये सनातन के पीछे पड़े हुए हैं। हम कोई सनातन के पीछे पीछे नहीं पड़े हैं और ना हमारा सनातन से कोई लेना देना, हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारा सीधा सीधा टारगेट है। बार बार मेरे से एक बार नहीं, मैं लाख बार ये बात कहना चाहूँगा कि जितना भी इससे आप निकल के बच के पढ़ोगे लिखोगे तर्क करोगे तो शायद हो सकता है ये पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी जरूर कहीं ना कहीं अगले पायदान पर पहुंचेगी। लेकिन तर्क नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधे कह रहे हैं जीभ काट दो स्टालिन की, देखिए तो बाबा हैं। पता नहीं इन्होंने क्या क्या 10 करोड़ देने वाला बाबा भी है, वो जीभ काटने वाला भी है। पैसे कहाँ से आ रहे इतने साल के पास? इनके पास पैसा है, ये ही समझने वाला है। जो इस देश के अंदर सरकारों के पास इतनी धन संपत्ति नहीं है, ये इस देश के अंदर 5 जो मठ हैं उन मठों के अंदर इतना पैसा है जिसका आप गिनती करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें और हजारों लाखों लोग लगाया जाता है। वही हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। बाबाओं की ऐसी भाषा को किस तरह देखते हैं आप? देखिए उनका राजनीतिक की महत्वाकांक्षाएं हैं, योगी बाबा भी बाबा था, मठ का मालिक था, वो राजनीतिक में कैसे आया? आज यूपी का मुख्यमंत्री बन रहा है ना, तो यही चीज़ है। ये बाबाओं के पास जितना जो ओबीसी की जो जातियां हैं, सबसे ज़्यादा चंदा, सबसे ज़्यादा फंडिंग और सबसे ज़्यादा पूजा पाठ में आपके एक महीने में, एक साल के अंदर आपको 5,000 रुपये अकाउंट में नहीं पाएंगे।
पूरे तमाम ओबीसी के एससी के लोगों में कहता हूँ, आप पूरा एक साल का बजट देख लिए, अगर 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आते हों, लेकिन आप 50,000 रुपये धागे के नाम पे, अंगूठी के नाम पे, यात्रा के नाम पे आप वहाँ पे जमा करवाते हो, लेकिन आपको पता नहीं इन चीज़ों का।